अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए क्लाइमेट कैसा है। सुबह से यहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी और अभी देखो धूप निकल आई है। और आज मैं बनाने वाली हूँ काली मिर्च छोले, जो एकदम टेस्टी रेसिपी है, सिंपल भी है। तो चलिए फिर वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, काली मिर्च चना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये है। ये काबुली चना जो बोलते वो है। इसको मैंने रात भर भिगा ली थी और अभी मैंने इसको नमक डाल के बॉईल कर ली हूँ। और ये जो इसका पानी निकला है ये वो है, क्योंकि इसमें जो मैं पानी ऐड करूँगी वो इसी का पानी ऐड करूँगी। और जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये हैं, ये एक जो फ्लावर बोलते वो, और ये तीन लौंग, आठ ये इतनी काली मिरी, एक 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी हरी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा, और ये है 4 मिर्ची, हरी मिर्ची, और ये कोरिएंडर लीव्स है गार्निशिंग के लिए, और ये चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स मैंने ली हूँ 1/2 टेबल स्पून, और ज़ीरा 1/2 टीस्पून है, और ये काली मिरी पाउडर है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के, और ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने पीस ली हूँ, और ये जो चने बॉईल की हूँ उसमें से थोड़े चने ऐसे पेस्ट बना ली हूँ चने का, और ये है 100 ग्राम जितनी दही है, और ये चने हैं 1/2 किलो। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर भी लगेगा, मैं बताना भूल गई थी। तो देखिए तेल गरम हो चुका है, अभी मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसमें ये जो खड़े गरम मसाले हैं वो डाल दूंगी पहले। गैस का फ्लेम स्लो है, अभी ये जो चिली फ्लेक्स है ये डाल दूंगी। इसको ऐसे अच्छे से थोड़ा चलाते रहूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ऑनियन का पेस्ट। चिली फ्लेक्स डालना है गैस का फ्लेम एकदम स्लो रख के, वरना वो जल सकता है। अभी ऑनियन का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको भूनूंगी। इसकी जो स्मेल है वो चली जानी चाहिए। देखिए कांदा अच्छे से भुन चुका है, उसका तेल रिलीज होने लगा है। अभी जो 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दूंगी मैं। और अच्छे से भून लूंगी, क्योंकि कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से भूनना है। कांदे और अदरक लहसुन को दोनों को और अच्छे से भूनना है स्लो फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट से मैं स्लो गैस पे इसको लगातार ऐसे चला रही हूँ, इसका तेल अभी रिलीज होने लगा है। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर और जो ज़ीरा बताई थी वो, अक्खी ज़ीरा यूज़ करनी है, और मैंने 1/2 टीस्पून नमक लियो
टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चने मैंने बॉईल करते वक्त भी नमक डाली थी और अभी जो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी वो भी चने का है, तो नमक आपको हिसाब से डालना है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए ड्राई स्पाइसेस डाल के भी मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ। अभी मैं इसमें दही डाल दूँगी। ये दही ज़्यादा खट्टी नहीं है। फिर से इसको अच्छे से भून लूँगी ऐसे। देखिए दही डालने के बाद भी कैसे तेल रिलीज होने लगा है। दही भी अच्छे से इसमें पक चुका है। अभी मैं सारे बॉईल किए हुए चने इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिलाऊंगी। अच्छे से मिलाकर अब ये जो पीसा हुआ चना है ये सब ऐड कर दूंगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके ऐसे मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से संभाल के हिलाना है, चने फूटने नहीं चाहिए। वैसे ये फूटेंगे नहीं क्योंकि मैंने इसको नॉर्मल गलाई हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं गलाई कि बुक्का हो जाए। चना डाल के मैंने इसको ढक के रख दी थी। ये अभी स्लोली बॉईल आने लगा है। चना चने का जो पेस्ट वो सब डाल दी थी मैंने इसमें। अभी मैं इसमें जो चने का पानी है वो ऐड करूँगी। इसको फास्ट गैस पे छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है मेरे घर में मसाले की, चने की। देखिए ये पानी पूरा नहीं ऐड करूँगी, जितना ज़रूरत है उतना ही ऐड करूँगी। आपको जैसा चाहिए गाढ़ा आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी और गाढ़ा होएगा क्योंकि चने का पेस्ट है ना इसमें, इसलिए। ये स्टेज पे आप नमक वगैरह चख लेने का इसमें। और अभी ये जो चिलीज थी इसमें मैंने बीच से कट लगा के वो भी डाल दूँगी। चिलीज भी आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 लिए। अब इसको जोश आने दूँगी। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए ये जोश आने लगा है। मैंने अभी स्पून चेंज कर ली हूँ, अब ये गाढ़ा होते जाएगा। अभी इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ब्लैक पेपर चना जो मैं बनाई हूँ, तो अभी इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ये 1 टेबल स्पून के अंदाज से डालना है ऐसे। एक टेबल स्पून भर के मैंने डाली हूँ अंदाज से। आप चाहे तो स्पून में लेके डाल दिए, मुझे अंदाज था तो मैंने डाल दी। अब इसको अच्छे से पका लेना है। ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। देखिए अभी ये पतला है, अभी मैं इसको थोड़ा और गाढ़ा करूँगी, इसको पका लूँगी फास्ट पे। तो देखिए चेक कर लेते हैं। 10 मिनट से मैंने इसको फास्ट गैस पे रखी हूँ। देखिए ये गाढ़ा हो गया है। अभी ये गैस का फ्लेम अभी ऑफ की हूँ, अभी ये और गाढ़ा होएगा। देखिए अब देख सकते हैं।
और ये गाढ़ा होएगा, वो आपको डिश आउट करूँगी जब पता चलेगा। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम ऑफ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं छोले। तो देखिए मैंने आपको बोली थी ना ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, कितना पानी था इसमें, गाढ़ा हो गया एकदम। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म छोले रेडी है और मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्म रोटी के साथ। और मैंने इसके ऊपर घी डाली हूँ और अभी इसके ऊपर ऐसे गार्निशिंग करूँगी कोरिएंडर लीव से। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसको चावल प्लेन राइस जो होता है वो, या फुलके के साथ भी खा सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।